मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और मेरे को मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल ने बहुत सारा खर्चा बताया है और इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मुझे ये जानकारी मिल सकती है कि एक अमूमन या मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट सेंटर में खर्चा कितना आता है? यस, तो ट्रांसप्लांट के जो खर्चे में तीन चीज़ें आती हैं। पहले तो ट्रांसप्लांट के पहले टेस्ट जो होते हैं डोनर और पेशेंट के, उनका खर्चा कितना है। दूसरा, जब आप ट्रांसप्लांट के लिए सब कुछ फिट हो गए हैं तो अस्पताल में एडमिशन के बाद पैकेज कितना है ट्रांसप्लांट का, और उसी ट्रांसप्लांट के एडमिशन के दौरान जो आपको ट्रांसप्लांट रिलेटेड जो दवाइयाँ जिसमें कि एंटी रिजेक्शन ट्रीटमेंट होती है उसका कितना खर्चा आता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, टेस्ट है, पैकेज है और दवाइयाँ हैं। तो अमूमन जो ट्रांसप्लांट के टेस्टों का खर्चा आता है वो लाख से 1.5 लाख के बीच में दोनों का टेस्टों का सारा टेस्ट कवर हो जाता है। इसके अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स में स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। दूसरा आ गया हमारा पैकेज। यूजली जो पैकेज रहता है हॉस्पिटल्स का वो 5 से 6 लाख के बीच में रहता है। इस पैकेज में पेशेंट का अराउंड 6 से 10 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है, ऑपरेशन के चार्ज कवर होते हैं, कुछ जो नॉर्मल रूटीन मेडिसिन हैं वो कवर होती हैं, ट्रांसप्लांट के दौरान जो बेसिक टेस्ट किए जाते हैं डेली वो वाले कवर होते हैं, और ICU का खर्चा भी कवर्ड होता है। और इसी खर्चे में डोनर का जो हॉस्पिटल स्टे है वो नॉर्मली 3 से 5 दिन होता है, डोनर की दवाई होती है और डोनर के कुछ टेस्ट जो अगर हॉस्पिटल के दौरान करने पड़े वो भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो शुरुआत में हम एक दवाई देते हैं जिसको एंटी रिजेक्शन ट्रीटमेंट बोलते हैं, उस इंजेक्शन का खर्चा अलग से पड़ता है, आउट ऑफ पैकेज पड़ता है। यूजली कई लोग इसको पैकेज में डाल देते हैं, कई लोग इसको पैकेज में नहीं डालते हैं, तो उसका खर्चा वेट के हिसाब से होता है, बट अमूमन 1.5 से 2.5 लाख के बीच में उसका खर्चा आता है वेट के हिसाब से। तो टेस्ट हो गए 1.5 लाख से 2 लाख तक, पैकेज हो गया 5 से 6 लाख के बीच में, और दवाई एंटी रिजेक्शन ट्रीटमेंट हो गई 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में। तो मोटा मोटा आपका 7 से 9 लाख के बीच में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच करता है। तो कई बार ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लाज्मा एक्सचेंज हमें ट्रांसप्लांट के पहले करने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ सेशंस के हिसाब से है कि कितना सेशन हुआ। अमूमन एक सेशन का खर्चा 50 से 1 लाख के रुपए बीच में आता है, तो वो डिपेंड करता है कि इस पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका खर्चा आपको एड ऑन पड़ता है, वो डिपेंड करता है आपके टाइटर्स कितने हैं। तो जो जिसके टाइटर्स जितने होंगे उस हिसाब से उसके सेशंस डिसाइड करे जाते हैं। उसमें सेशन का खर्चा होता है, कुछ दवाई लगती है और कुछ फिल्टर का कॉस्ट भी आता है। तो वो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो आपका प्लाज्मा सेशन आपको दे रहा है, जो आपकी ट्रांसप्लांट टीम डिसाइड कर रही है, वो आपको पहले ही सारा क्लियर करेंगे आपके टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर। तो आप अमूमन मान के चलें कि मोस्ट ऑफ़ दी पेशेंट्स जिनका ऐसा ट्रांसप्लांट होता है जिसको बोलते हैं ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, तो उसका आप मान के चलें कि 3 से 5 लाख के बीच में एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है, अगर ब्लड ग्रुप मैच करता है तो 7 से 9 लाख के बीच में आपका ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, और ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो उसमें प्लाज्मा एक्सचेंज का खर्चा अलग से पड़ता है, 3 से 5 लाख के बीच में उसका खर्चा आ सकता है अगर आपका ट्रांसप्लांट बिल्कुल जैसा बताया वैसा वैसा हो गया। इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई बुखार आ गया, ब्लीडिंग आ गई, रिजेक्शन हो गई, तो वो कुछ खर्चे बाद में पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करते हैं। हम रखें आपका ख्याल।